कहानी के शुरू होते ही हम टियाना नामी एक औरत को देखते हैं जिसके बेटे की हालत बहुत खराब है क्योंकि वो वक्त से पहले पैदा हो गई। इस वक्त वो इंक्यूबेटर में थी, उसे सांस भी बहुत मुश्किल से आ रहा था, इसीलिए टियाना अपनी बेटी को देखकर तड़प रही थी। वो यही सोच रही थी कि न जाने उसकी बेटी इस हालत में कब तक जिंदा रहेगी। सीन अब कट होता है और 17 साल बाद हमें उसी बच्चे को दिखाया जाता है। उस बच्चे का नाम लोई है, वो बड़ी हो चुकी है और वक्त से पहले पैदा होने की वजह से उसकी बॉडी के कई हिस्से काम नहीं करते, साथ ही साथ वो अस्थमा और हार्ट पेशेंट भी है। अपनी जिंदगी को नॉर्मल रखने के लिए लोई को बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती है। इन सारी कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद भी लोई काफी जहीन है। वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी पर यूनिवर्सिटी उसकी भेजी हुई एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं देती। ऐसे में उसे लगा कि उसे यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट कर दिया गया होगा। फिर हम देखते हैं कि टियाना यानी उसकी मॉम अभी ग्रोसरी की शॉपिंग करके घर वापस आई थी। घर आते ही वो फोन कॉल में बिजी हो जाती है और क्लोई जैसे ही ग्रोसरी बैग से चॉकलेट्स लेने के लिए बैग खोलती है तो उसे इसके अंदर टियाना के नाम पे कुछ टैबलेट्स मिलती है जिन्हें देखकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम तो कोई टैबलेट नहीं यूज करती थी। फिर आखिर उन्हें क्या हुआ होगा? रात में अब उसकी मॉम उसे टैबलेट्स लेने के लिए आती है। क्लोई नोटिस करती है कि उसे वही टैबलेट दी गई थी जो उसकी मॉम के नाम से आई थी। वो टियाना से पूछती है कि ये टैबलेट्स आपके नाम से क्यों आई थी, तो टियाना जवाब कहती है शायद ये फार्मा की गलती है। ऐसे में क्लोई चुपचाप वो मेडिसिन ले लेती है। अभी सुबह क्लोई वही मेडिसिन रैक में से निकालती है। इस मेडिसिन को चेक करने पे उसका फार्मूला ट्रायऑक्सिन लिखा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि इस मेडिसिन को किसी और मेडिसिन के रैपर से रैप किया गया था। और ये देखने पर क्लोई को अब अपनी मॉम पे शक होता है। वो सारी मिस्ट्री का पता चलाने के लिए अब जल्दी से कंप्यूटर पे ट्रायऑक्सिन सर्च करती है, यानी उस मेडिसिन के रैपर पे लिखा हुआ फॉर्मूला सर्च करती है। लेकिन आज उसके मॉम के कंप्यूटर का इंटरनेट नहीं चल रहा था। हम देखते हैं कि इंटरनेट असल में टियाना ने ही ऑफ किया था, जो दूर खड़ी उसे अभी भी देख रही थी। इस वक्त वो चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। अगली सुबह जब वो देखती है कि उसकी मॉम गार्डन में बिजी है तो वो जल्दी से उनके रूम में जाकर उनके मोबाइल फोन से ऐसे ही कोई नंबर मिलाती है। जो दूसरा आदमी फोन उठाता है वो उससे कहती है प्लीज मेरी मदद करें, मुझे एक मेडिसिन का फॉर्मूला सर्च करके बता दे, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। फोन की दूसरी तरफ वो आदमी क्लोई का काम कर देता है। वो उसे बताता है कि ट्रायऑक्सिन नामी फॉर्मूले की टैबलेट अक्सर हार्ट पेशेंट्स को दी जाती है, ये रेड कलर की टैबलेट होती है। लेकिन इस वक्त क्लोई के हाथ में जो टैबलेट थी वो ग्रीन कलर की थी। इस वक्त उसे शक होता है कि उसकी मॉम कुछ तो गड़बड़ कर रही है उसके साथ। उसे अब किसी भी तरह इस मेडिसिन का असली फॉर्मूला पता चलाना था ताकि वो इसके साइड इफेक्ट्स को जान सके। इसीलिए वो कुछ सोचते हुए डिनर के टाइम टियाना से कहती है कि काफी टाइम हो गया है हम कहीं गए नहीं, या हम मूवी देखने के लिए थिएटर जा सकते हैं। टियाना उसे थिएटर ले भी जाते हैं। जब सब मूवी में मगन थे तब क्लोई टियाना से पूछकर वॉशरूम के लिए निकलती है, लेकिन असल में वॉशरूम नहीं जाती बल्कि पास की एक फार्मा कंपनी में चली जाती है। वो एक मेडिसिन फार्मासिस्ट को देते हुए कहती है कि मुझे इसके बारे में पता चलाना है कि आखिर ये किस चीज की टैबलेट है और इसके साइड इफेक्ट क्या है। फॉर्मा उसे इस मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देती है क्योंकि ये मेडिसिन उसकी मॉम के नाम पर ली गई थी। या क्लोई फार्मा से कहती है असल में मैं मेन मॉम गेम खेल रही है, उन्होंने मुझे ये टास्क दिया है कि मैं इस मेडिसिन का फॉर्मूला ढूंढ के लाऊं, प्लीज एटलीस्ट अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं जीत जाऊंगी। ये सुनते हुए फॉर्मा उसे सर्च करके बताती है। ये सुनते हुए फॉर्मा उसे मेडिसिन देखकर बताती है कि ये मेडिसिन डॉग्स के लिए इस्तेमाल होती है और अगर कोई इंसान इन मेडिसिन को ले ले तो वो पैरालाइज हो सकता है। ये सुनने के बाद क्लोई बहुत ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि उसके घर कोई डॉग नहीं था और बचपन से ही उसे उसकी मॉम ये टैबलेट्स देती आ रही थी। उसे ढूंढते परेशानी और डर में उसे अस्थमा अटैक भी आ चुका था, वो सांस मुश्किल से ले रही थी। और इसी टाइम पर उसकी मॉम भी उसे ढूंढते हुए यहाँ आ चुकी थी। वो उसे एक इंजेक्शन लगाते हुए बेहोश कर देती है और फिर अपने घर ले आती है। जब वो होश में आई तो उसने देखा वो अपने कमरे में लॉक थी, जबकि बाहर टियाना अपने कंप्यूटर पे सर्च कर रही थी कि किसी भी इंसान को पैरालाइज कैसे किया जा सकता है। यहाँ क्लोई भी अपने कमरे से बाहर निकलना चाहती थी, तभी उसके जहन में एक आइडिया आता है कि वो अपने कमरे की विंडो से दूसरे कमरे में जाकर अपने कमरे का दरवाजा खोल सकती है। वो हॉट आयरन रॉड लेकर अपने मुंह के अंदर ठंडा पानी पीती है और अपनी खिड़की से बाहर की तरफ जंप कर देती है। मुश्किल से रेंगते हुए वो अपने मॉम के रूम तक पहुंची थी, तो उसकी विंडो को सबसे पहले वो आयरन रॉड से गर्म करने के बाद उसके ऊपर ठंडा पानी फेंकती है। ऐसे विंडो के टूटने पे वो इस कमरे में आ चुकी थी। वो इस कमरे से जल्दी से बाहर जाती है और अपने रूम का दरवाजा खोलती है। उसको दोबारा से सांस लेने में मुश्किल हो गई थी, वो यही रूम में रखा हुआ अपना इनहेलर यूज करती है और जल्दी से स्टेयर्स से नीचे आने की कोशिश में लग जाती है, पर देखती है कि अब उसकी लिफ्ट काम नहीं कर रही। लेकिन उसे किसी भी हालत में नीचे जाना था, वो अब अपनी व्हीलचेयर को पहले नीचे फेंकती है और फिर खुद भी सीढ़ियों से गिर जाती है। उसे इस वक्त काफी चोट भी आई थी, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए दोबारा व्हीलचेयर पे बैठकर घर से बाहर निकल जाती है। घर से निकलने में तो वो कामयाब हो गई, लेकिन वो मदद किसने मांगे, उसके घर के आसपास किसी का भी घर नहीं था। वो रोड पे निकल जाती है और तभी उसे एक गाड़ी की आवाज आती है। क्लोई को लगा कि ये टियाना की गाड़ी है, इसीलिए वो जंगलों में छुप गई, पर असल में ये तो एक ट्रक था। वो इस ट्रक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर ट्रक वाला अपना ट्रक रोक देता है। क्लोई यहाँ से मदद मांगती है, वो उसे सारी कहानी सुनाती
देती है कि कैसे उसकी मॉम बचपन से उसे डॉग्स की मेडिसिन देकर पैरालाइज रख रही है, उसकी जान खतरे में है। वो इस आदमी से कहती है कि मुझे किसी भी हालत में पुलिस स्टेशन जाना है। यह आदमी उसकी बात मान लेता है इससे पहले कि वो क्लोई को अपने ट्रक पे बिठाता। पीछे से ट्रियाना आ जाती है जो उससे पूछती है कि तुम मेरी बेटी को आखिर कहाँ लेके जा रही हो। उसके जवाब में यह आदमी कहता है कि तुम्हारी बेटी को लगता है कि तुम उसे गलत मेडिसिन दे रही हो, वो तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन जाना चाहती है और इस काम में मैं उसकी मदद करूंगा। ट्रियाना की तो अब होश ही उड़ चुकी थी। ट्रियाना उसे बहुत तरीकों से समझाती है, उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब यह आदमी नहीं रुकता तो मजबूरन ट्रियाना को गलत रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है और यहाँ पर क्लोई का बेहोश होने वाला इंजेक्शन इस आदमी को लगाकर क्लोई को घर वापस ले जाती है। यानी एक और मर्तबा क्लोई उस खतरनाक जिंदगी में पहुंच चुकी है। ट्रियाना ने क्लोई को अब उसकी बेसमेंट में जंजीरों से बांध के रखा था और यहाँ पर वो एक मेडिसिन भी बना रही थी ताकि वो क्लोई को हमेशा के लिए पैरालाइज कर सके। क्लोई हर हाल में यहाँ से निकलना चाहती थी, इसीलिए वो बेसमेंट के अंदर ही कुछ जरूरी चीजें ढूंढना शुरू करती है जिसकी मदद से वो यहाँ से निकल सके। इसी दौरान क्लोई को यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं जिसमें उसका यूनिवर्सिटी से आया हुआ ऑफर लेटर भी था जिसे उसकी मॉम ने यहाँ छुपा लिया था। ये देखकर क्लोई काफी दुखी होती है क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था जो उसकी मॉम ने तोड़ दिया। थोड़ा और ढूंढने पर क्लोई को यहाँ हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं जो उसी के नाम पे थे। उसे डॉक्यूमेंट्स देखने पे पता चलता है कि क्लोई नामी इमैच्योर बच्ची जो आज से 17 साल पहले पैदा हुई थी वो पैदा होते ही चंद घंटों बाद मारी जा चुकी थी। यहाँ उसका डेथ सर्टिफिकेट भी था। अगर वो बच्ची मारी जा चुकी थी तो क्लोई कौन थी? क्लोई को इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी मिलती है जिसमें एक कपल की फोटो थी। वो लोग रो रहे थे क्योंकि जिस दिन जिस हॉस्पिटल के अंदर क्लोई पैदा हुई उसी दिन उसी हॉस्पिटल के अंदर उनकी भी बेटी पैदा हुई थी जिसको हॉस्पिटल से ही किसी ने किडनैप कर लिया था। ये खबर देखने के बाद क्लोई जान जाती है कि ट्रियाना उसकी असली मॉम नहीं बल्कि उसके असली मॉम डैड ये लोग हैं। वो अब यहाँ से निकलना चाहती है लेकिन कैसे निकले सारे रास्ते बंद हैं। इसी दौरान यहाँ पर ट्रियाना भी आ जाती है। क्लोई उसे देखकर घबरा जाती है, उसे कहती है दूर रहो मुझसे, मैं जान गई हूँ तो मेरी मॉम नहीं हो, तुमने मुझे हॉस्पिटल से किडनैप किया था, मैं उस कपल की बेटी हूँ। ट्रियाना ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। वो क्लोई से कहती है तुम मेरा यकीन मानो, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें ऐसी कोई मेडिसिन नहीं दूंगी, बस मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। लेकिन क्लोई यहाँ दोबारा ट्रियाना के साथ बदतमीजी करती है तो ट्रियाना को भी अब गुस्सा आ जाता है। वो अब बड़े से इंजेक्शन में क्लोई को पैरालाइज करने के लिए अपनी बनाई हुई मेडिसिन भेजती है। अपने आप को बचाने के लिए क्लोई वहां से घिसरते हुए एक वार्डरोब में चली जाती है। उसे वार्डरोब तो लॉक नहीं हो पाती, वो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे एक लिक्विड पी लेती है जिससे वो बेहोश हो चुकी थी। ट्रियाना को लगा वो मर गई और ये सोचते ही ट्रियाना की हालत खराब हो गई थी। वो बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि वो सच में क्लोई को अपनी बेटी मानती थी। वो क्लोई को अपने से दूर भेजना नहीं चाहती थी और वो क्लोई को पैरालाइज होने वाली भी मेडिसिन इसीलिए दिया करती थी कि कहीं वो अपने असल पेरेंट्स के पास ना चली जाए। अब क्लोई को जब होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। उसके इर्द गिर्द डॉक्टर्स थे और उसके स्टमक को साफ किया जा रहा था। वो रूम से बाहर देखती है तो वहाँ ट्रियाना खड़ी थी, यानी वही उसे हॉस्पिटल लेकर आई होगी। उसे देखकर वो दोबारा से डर जाती है और पास खड़ी नर्स को बुलाती है। वो उसे इशारे से एक पेन और एक पेपर मांगती है जिस पर वो नर्स को कुछ लिखकर बताना चाहती थी और ये चीज बाहर ट्रियाना देख लेती है। ट्रियाना चाहती थी कि क्लोई नर्स को उसी के बारे में बताएगी, इसीलिए वो वक्त रहते ही हॉस्पिटल का इमरजेंसी अलार्म बजा देती है। हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है और इसी का फायदा उठाते हुए वो यहाँ से क्लोई को लेकर भाग जाती है। अब जैसे ही नर्स रूम में आई तो उसने देखा कि क्लोई वहाँ थी ही नहीं क्योंकि क्लोई ने उसे पेन और पेपर भी मांगा था कुछ बताने के लिए, तो नर्स का सीधा शक अब उसके मॉम पे जा रहा था। वो जल्दी से हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर देती है। यहाँ पे ट्रियाना उसे स्टेयर्स तक लेके आई ही थी कि सामने से सिक्योरिटी ट्रियाना को पकड़ लेती है। सिक्योरिटी को देखकर ट्रियाना भी अपनी गन निकाल लेती है और सिक्योरिटी की तरफ तान के कहती है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। ट्रियाना जब घर नीचे नहीं कहती तो मजबूरन सिक्योरिटी को उसके ऊपर अपनी गन से हमला करना पड़ता है और ऐसे उसका एक शोल्डर जख्मी हो जाता है। क्लोई को यहाँ डॉक्टर्स रेस्क्यू कर लेते हैं और बताया जाता है कि सारे वाकये को 7 साल गुजर चुके हैं। क्लोई अब अपनी मॉम ट्रियाना से मिलने के लिए जेल में आई है जिसे कई सालों तक क्लोई को पैरालाइज रखने के लिए अरेस्ट किया गया था। हम देखते हैं कि क्लोई आज तक व्हीलचेयर पे ही है लेकिन उसके बावजूद वो कुछ कदम चल पाती है। वो अपनी कदमों पे चलकर ट्रियाना के पास आती है और उसे कहती है कि कुछ ही अरसे में मैं चल पाऊंगी आपकी दी हुई मेडिसिन छोड़ने के बाद। पता चलता है कि क्लोई कुछ कुछ अरसे बाद ट्रियाना से मिलने आती रहती थी। इस वक्त वो ट्रियाना को बताती है कि मैंने अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करके एक अच्छी जॉब भी ले ली है, मेरी शादी भी हो गई है और मैंने अपने असली पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया है। ट्रियाना बस खामोशी से उसकी बात सुनती जा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लोई अपने मुंह के अंदर से कुछ रैप की हुई टैबलेट्स निकालती है, वही टैबलेट्स जो जिंदगी भर ट्रियाना उसे पैरालाइज रखने के लिए देती रही और अब ये मेडिसिन क्लोई उसके मुंह में डाल रही थी। साफ जाहिर था कि वो ट्रियाना से अपना बदला ले रही है।
और वो नहीं चाहती कि कभी भी टियाना इस जेल से बाहर आए, जिसे अब दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।